सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बड़का भैया को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टीआरपी लिस्ट में इन दिनों पहली पोजीशन पर बना हुआ रियलिटी टीवी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 को अपना पहला करोड़पति मिल गया है। जमशेदपुर से आई शो की प्रतिभागी अनामिका मजुमदार ने शो में 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती। उनको अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था और वह 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच गई थी, लेकिन संभावनाओं और आशंकाओं में फर्क करते हुए उन्होंने 1 करोड़ रुपए की रकम के साथ तसल्ली करने का फैसला किया। शो के मेकर्स और दर्शकों दोनों के ही लिए यह अच्छी खबर रही, क्योंकि शो के इस सीजन को तकरीबन 1 महीना हो गया है और अब तक इसे कोई भी करोड़पति नहीं मिला। बता दें कि शो में 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीतने वाली अनामिका शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं। पेशे से वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है फेथ फॉर इंडिया। अनामिका ने कहा कि उनके द्वारा जीती गई धनराशि को वह अपने एनजीओ में इन्वेस्ट करेगी ताकि वह झारखंड के कुछ इलाकों में बेहतर ढंग से काम कर सके। मालूम हो कि इससे पहले ब्रजेश चौधरी शो पर 50 लाख रुपए की रकम जीत पाने में कामयाब रहे थे, जो कि उस वक्त तक शो के इस सीजन में जीती जा सकी सबसे बड़ी रकम थी। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन इस मौके पर काफी ज्यादा प्रसन्न नजर आए। अब इंतजार करना होगा कि कब यह एपिसोड टीवी पर प्रसारित किया जाता है। इस तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बड़का भैया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।